मैं अभी ओमको स्कूल से लेके निकला हूँ और ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये सन है, अभी बजे है 2 और उसके अराउंड ये रिंग दिख रही है हमारे यहाँ से। पता नहीं ये कहाँ कहाँ से और दिखी है, लेकिन यहाँ से दिख रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये देखने के लिए। मुझे अभी राज ने फ़ोन किया, हमारे जो राज भाई है उन्होंने, क्योंकि मैं थार में था ओम के साथ। ओम है यहाँ पे और ये बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा आज देखने को मिला है। तो यहाँ पे गिगन क्लीनिंग कर रहा है, छावा की क्लीनिंग, और आपको दिखेगा सूरज के चारों तरफ कुछ सर्कल जैसा बना हुआ है, रेनबो जैसा। रेनबो तो नहीं बोल सकते लेकिन अभी फोन में दिख रहा है, वैसे तो देख भी नहीं सकते। जावा की क्लीनिंग हो रही है यहाँ पे। सर्विस करना है तो यहाँ पे ही रहने देना। हाय ताइने रोटेज है। हाय ओमलू, हाय, हे बडी, बाहु आया, तुम्हारा दोस्त को लेके जाओ। हाँ कैसी था गन लिया, भागो अंदर दोनों, चलो चलो भागो अंदर 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 अंदर। पहले कपड़े तो चेंज करो फिर खेलना गन से। कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? अच्छा गया? इंग्लिश का पेपर अच्छे से लिख लिया था? वर्ड मीनिंग हो गए थे? मैंने किया है बाबू। हाँ वर्ड मीनिंग हो गए थे अच्छे से। गुड, अभी बस एक ही एग्जाम बाकी है हिंदी की, वो भी अच्छे से कर लेनी है, ठीक है हम? गुड। तो जावा के बाद अभी यहाँ पे थार की सर्विस हो रही है। अजी ने सर्विस स्टेशन स्टार्ट कर किया है और बोल रहा है कितनी भी गाड़ियाँ आने दो, सबको सर्विस कर देते हैं। ना सूरज के आसपास किया था, पूरा रिंग बना हुआ था। उसका मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे दो साइंटिस्ट बैठे हुए जिसने मुझे अभी आके सब कुछ समझाया। रेनबो का साइंटिस्ट। ओके, क्या होता है इसका मीनिंग? बारिश आने वाली है या स्नो आने वाला है? तो स्नो तो यहाँ पे स्नो नहीं आता, नहीं आता, फिर बारिश ही आएगी। अभी आजकल बहुत, जब भी जहाँ पे भी जाते बोलते है की ओम थोड़ा सा दुबला पतला हो गया, ऐसा नहीं बोल तुमने सुना है? बोल रहे, लेकिन शायद इसकी हाइट बड़ी है ना, इसकी वजह से लग रहा है। लेकिन खाना पीना अच्छे से, खाना पीना खाना चाहिए। अभी तुम सब लोगों के बिहाफ मेरा वजन बढ़ रहा है तो वो ठीक है। तुम्हारा तो नहीं बढ़ रहा, वो बेबी का बढ़ रहा है, वो बेबी कर रहा है। मैंने कल पढ़ा था, किसी ने कमेंट्स की थी या मैंने तो पढ़ा था, पता नहीं। जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना तो बच्चा भी माँ को जन्म देता है। हाँ वो भी सही है, मैं तो ऑलरेडी एक बार माँ बन चुकी हूँ तो अभी दूसरी माँ का जन्म। अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। हाँ तो यहाँ पे आलू पराठा बनाया है, शायद पापा खाएंगे या मेरी। ओम को नहीं खाना था, पहले बोला था आलू पराठा, लेकिन अब सिर्फ ओम प्लेन रोटी खाएगा। और पराठा यहाँ पे मैंने पोटैटो मसाला था ओम का सुबह का। तो अभी गाड़ी अंदर रख रहे, सर्विस हो गई है। बहुत बोलती है वीडियो में, मुझे गाड़ी आ गई है, आ गई है, आ गई है। हाँ तुम्हारे लिए चैलेंज है, थार को रिवर्स में पार्क करना है गैरेज में। गिगन कर देगा मेरे बोल, मैं स्विफ्ट को कर देती हूँ, इसको बाहर रख दो थोड़ी देर के लिए। कर देगा इसको करना,
इसमें जब बैठते हैं ना तो एक्चुअल में इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन जब अंदर आप बैठोगे तो बहुत बड़ी लगती है। नहीं, ये गैरेज बहुत छोटा है इसको अंदर जाने के लिए, इतनी बड़ी है नहीं वैसे। तुम्हें देखना अभी तुम्हें कैसी फीलिंग आएगी, तुम्हारा ये सारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना कि तुम्हें आ गई है, वो अभी सारा ठुस हो जाएगा। एक ही सेकंड में अंदर बैठ के रिवर्स करना, देखना। नया है ना इसलिए डर लगता है। दूसरा क्या कि स्विफ्ट का मैं गारंटी लेती हूँ, इसकी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ कि पहुँचेगी अभी नहीं, चली जाएगी वो पक्की बात है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग बताना बाद में कि कैसे होता है। कहाँ से ठुकर ना एक तास हो ईसा का हम प्राय इतना वहाँ देखा है, सेंसर है ना। थार में क्या होता है कि जब अंदर बैठते हैं ना, जिनके पास होगी वो सहमत होंगे इस बात से कि अंदर आप बैठते हैं ना आपको लगता है बहुत बड़ी गाड़ी है, वैसे इतनी बड़ी है नहीं। हाँ, स्विफ्ट के मुकाबले थोड़ी ऊँची बड़ी लगती है, लेकिन इतनी कोई खास बड़ी नहीं बोल सकते। फिर भी देख, अब वो तो तुम्हें करना है ना, मुझे क्या पता टर्न हो रहा है तुम्हारा गाड़ी, टायर तुम्हारे देखो वहाँ दिखा रहे होंगे कैसे टायर है वहाँ जो, और हम जो कहा जाए मणि कहा पूछो। वो हिल आशीष आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिल पे भी रह जाती है। हमारे यहाँ थोड़ा गैरेज में जाने के लिए हिल है। अब तुम्हें डर लगेगा कि ये ऊपर टच हो जाएगी। अब बताओ तुम्हारी फीलिंग कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। रास्ते पर भी हमें लेके जाने दो, मुझे अभी गम कैसे चक्कर लगा के आते हैं। तो अभी तुमने ही साफ किए, गीगर नहीं किए तो वापस कर दो। लेकिन इसमें क्या है ना, यहाँ पे स्लेंटिंग भी होता है कहीं भी ऐसे हिल पे, तो भी वो आगे नहीं जाती। नहीं, वो तो हिल असिस्ट है ना, स्विफ्ट तो चली जाती है, पुराने मॉडल में वही आता था सब। तो वो जहाँ पे है वहाँ पे रुक जाती है, और ऑटोमेटिक है तो अच्छा लगता है चलाने में। लेकिन ये जगह छोटी है, नहीं जगह छोटी नहीं है, बहुत जगह इसमें, पास में जावा भी पार्क कर सकते हो। यहाँ पे भी अभी मतलब थोड़ी बहुत जगह छूटी है, ये मिरर से क्लोज रख सकते हैं। लेकिन अभी रास्ते में मुझे इसमें डर नहीं लगेगा इतना, थोड़ा नहीं रास्ते में नहीं लगता डर, क्योंकि ये जितनी बड़ी दिखती है अंदर बैठ के जितनी वो फीलिंग आती है उस मतलब उसके मुकाबले बहुत इजी है चलाने में। लेकिन ये थोड़ी सी चलाते हैं, अगर ये गाड़ी मैनुअल होती ना तो मुझे चलाने में अच्छा लगता, लेकिन तुम्हें बहुत दिक्कत होती क्योंकि मैनुअल में फिर गियर के सामने तुम देखती रहती हो। इसके स्टंट अभी दिखेंगे, जैसे मूंगफली निकलती ना खेत में इसके स्टंट दिखाएंगे। इससे ना मुझे वो हल जोतना है इसमें ट्रैक्टर के जैसा। बहुत लोग बोलते हैं कि वो कर सकते, लेकिन मजा आता है चलाने। गीगर को भी सीखना है अभी। क्या ये हाँ डिसीजन चेंज कर दिया नहीं वो भी सिखाएगा फिर हम देखेंगे गीगर। नहीं वो सिखा देंगे, अभी खेत जैसे खाली होते ना सीख जाएंगे। अभी हम आ गए हैं पोरबंदर शॉपिंग है, मुझे पार्लर में जाना है क्योंकि किसी का बर्थडे आ रहा है। वैसे किसी का नहीं, मेरा तिथि के हिसाब से रामदेव का आज है, लेकिन डेट के हिसाब से हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो दो दिन के बाद है। लेकिन दो तीन दिन का बर्थडे होना चाहिए क्योंकि मजा आता है ऐसे सेलिब्रेशन करना। आज सुबह जब मैं मम्मी पापा सब बैठे थे तब बात हुई, तो वही बातें कर रहे थे। और अभी पार्टी का जो है कुछ कामकाज थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं। और इस बार फर्स्ट टाइम बहुत टाइम के बाद ऐसा आ रहा है कि पहला नवरात्रि जब स्टार्ट होती है तो जो पहला नौरता होता है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, उसी दिन रामदेव का जन्मदिन आ रहा है। तो हमने डिसाइड किया है कि जो गर्ल्स हमारे गांव में जो नवरात्रि खेलती है, जो गरबा खेलती है ना, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, तो वो भी ले लेंगे। कुछ शॉपिंग है और वो भी कर लेंगे और सेलिब्रेट हो जाएगा उस दिन बर्थडे ना, क्योंकि छोटी गर्ल्स सबसे ज्यादा खुश होती है कुछ भी उसको गिफ्ट मिलता है ना। और फर्स्ट छोटी छोटी लड़कियां होती है। लास्ट टाइम हमारा क्या हुआ था कि हमारे सब्सक्राइबर शायद सेलिब्रेशन हमने उनके साथ, लेकिन पहले हो गया 1 मिलियन का, लेकिन 1 मिलियन हो गए थे फिर भी हमने छोटी लड़कियों के साथ केक काट के वो सेलिब्रेशन किया था। तो लास्ट ईयर ही था वो, लास्ट ईयर ही था, 1 साल ही हुआ। चलो गांधी सो गए
अभी शॉपिंग हो गया है गर्ल्स के लिए, हमने बहुत अच्छे अच्छे सेट और आइटम्स लिए, दो तीन अलग मतलब सेट बनवाया हाथ के लिए, गले के लिए, पहनने के लिए, मतलब खुश हो जाएंगी पहन के। और नवरात्रि में खास करके जो छोटी लड़कियां होती वो खुश हो जाएगी छोटी लड़कियों को। तो अभी मैं आई थी मीना आंटी के पास और मेरे बालों को मीना आंटी ने कट कर दिया है। अभी ना जो भी मेरी ट्रीटमेंट थी मैंने लास्ट ईयर एक दो साल पहले करवाया था, परमानेंट स्ट्रेटनिंग सब कुछ निकल गया, अब ओरिजिनल बाल पूरे ही निकाल दिए, सिर्फ ओरिजिनल बाल के ओरिजिनल बाल है। तो बहुत कर लिए लेकिन अभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं करनी है, बेबी के आने के बाद करेंगे स्ट्रेटनिंग केराटिन वो सब कुछ बाद में। हाँ और अभी मैं जा रही हूँ वैक्सिंग, हेयर कटिंग हो गया, अभी देर हो रही है, वरना मुझे हेयर स्पा भी करवाना था, लेकिन देखते फिर आएंगी एक दिन क्योंकि अभी नवरात्रि स्पेशल कुछ और तो नहीं है, लेकिन मुझे तो सिर्फ बेसिक करवाना था और कुछ बस ब्लेसिंग की जर्नी तीन से चार होके आ जाओ। हाँ नेक्स्ट आई थिंक तभी आऊँगी या एक बार और आओ देखते अभी। बाहु क्या है गोला वाले भाई आए तो गोला खाते है। बाहू तुमको खाना है गोला? बाहू भी देख रहे कि क्या है यहाँ पे। वो गोला दे रहा है, इसको क्यों ठोक रहा है? पार्टी गोला लेके ट्राई करने थोड़ा। बाहो उसके पीछे जाना है क्या? इसको ट्राई करो, थोड़ा सा ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। आज किसी ने नहीं खाया घर में, मैंने एक नहीं खाया क्योंकि पापा नॉर्मली खाते हैं साथ में, लेकिन अभी पापा को क्या बोलते हैं शुगर ज्यादा है तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल में करना है तो नहीं खा रहे। और तुम आज ये हेयर कट में ना हेयर कट मतलब बाल छोटे हो गए मुंह बड़ा हो गया। हाँ अभी मैंने वॉश भी नहीं किया, अभी करूँगी थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ पे ओम का रिवीजन चल रहा है क्योंकि एग्जाम है मंडे को, तो थोड़ा आज करेंगे थोड़ा कल करेंगे। गिगन भी आ गया अभी और ये बेडशीट लेके आए हम, वो साड़ू ले अभी। चार लेके आए ऐसे थे चार और भी है, लेकिन ये एक रूम में सारे सिमिलर डिजाइन है। और बच्चों जो गर्ल्स के लिए जो चीजें लेके आए वो भी हम अभी आपको दिखा देते। ये ब्रेसलेट है तो ये सारी लड़कियों को हो जाएगा, जैसे छोटी बड़ी सबको हो जाएगा। ये है तो ये छोटी लड़कियों को भी हो जाएगा और बड़ी गर्ल्स को भी हो जाएगा, तो ये नवरात्रि में पहन सकते हैं। हाँ आवेगो गिगन गया था अपने रिलेटिव्स के वहाँ मामा के घर सुबह से स्कूटी लेके, तो अभी आ गया वापस और हम भी गए थे पोरबंदर तो हम भी आ गए। ये भी गर्ल्स के लिए सिर्फ पिन है और सीधा हम यूज कर सकते हैं बालों के लिए, क्योंकि गर्ल्स को ना नवरात्रि में स्पेशल रेडी होने का बहुत ज्यादा होता है। और बाकी ये है ये सारे इयर रिंग्स के साथ जो सेट है वो, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये है गले के लिए ये वाला सब गर्ल्स के लिए, इसको छोटी गर्ल्स ऐसे टाइट पहन सकती है, बड़ी गर्ल्स थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी कर सकती है। तो साथ में ये ऐसे इयर रिंग्स है अच्छे है। तो सब गर्ल्स को मजा आएगा, वो नवरात्रि में पहन सकती है। और दूसरा इसमें है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हाँ वो सब के लिए है ना, यहाँ पे भी एक बॉक्स तो खाली कर लिया लेकिन यहाँ पे और भी बॉक्सेस है। इतना लंबा? हाँ इतना लंबा मतलब ये डालना होता है और ये ऐसे रखते हैं गर्ल्स,
तुमको नहीं पता इसके बारे में कुछ, लेकिन ऐसे अच्छा लगता है। और ये हाथ में पहनने के लिए इतनी, तो मुझे लगा था कि वो भी इयररिंग्स है इतने लंबे। हाँ, वो इयररिंग्स जैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके, इयररिंग्स जैसे लुक होते हैं। हाँ, बट एक्चुअल में इयररिंग्स होते नहीं है। हवा भरी, यस। तो अभी ओम को जाना है साइकिल लेके खेतों में चक्कर लगाने के लिए, है ना। बाय बाय, इंजॉय।